नीचे से इस तरीके से स्प्लिट स्टाइल में है, स्ट्रैप एट नेक है और यहाँ से कटआउट स्टाइल है जो कि थोड़ा डिफरेंट क्या बोलते हैं, स्टिच नहीं बोलेंगे, अटैच कर रखा है। Hey everyone, welcome back in my YouTube channel. I hope you all are well. साथ में आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और सभी मिलके मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon फैशन हॉल, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेस्टर्न वियर, जिसमें कुछ वेस्टर्न टॉप्स एंड ड्रेसेस। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फैशन हॉल या ज्वेलरी हॉल लेके आती रहती हूँ। Amazon पे अभी मेगा फैशन डे सेल लाइव है, जहाँ पे आप फैशन एंड स्टाइल के रिगार्डिंग कुछ भी बाय कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, प्राइस भी जेन्युइन है, साथ में रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। अभी आप Amazon पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी ड्रेस या कोई भी टॉप चाहिए तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट मैंने बाय किया है ये कॉटन टॉप, जो कि मैंने लिया है सिर्फ 499 रुपीज में। इस पे हमें अभी 69 यानी कि समथिंग 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। टॉप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आया है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और प्रिंट डिजाइन भी आपको बहुत पसंद आएगा। स्काई ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, पूरे में ही फ्लोरल प्रिंट है, नीचे से कुछ तरीके से ये फ्लेयर दिया हुआ है, मीन्स फ्रॉक वाला कुछ लुक आएगा, बट टॉप पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे अच्छी बात कि ये कॉटन है तो कंफर्टेबल भी काफी होगा और मैंने इसे एम साइज में बाय किया है तो उसके अकॉर्डिंग फिटिंग भी काफी अच्छी आई है। फुल स्लीव्स हमें मिल जाती है, स्लीव्स पे भी पूरे पे इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट है, स्ट्रिप्स हैं और यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक का यूज कर रखा है जिससे थोड़ा सा पफ वाला स्टाइल आ रहा है। स्प्लिट नेक है, स्प्लिट एंड बैंड नेक है, हाई बैंड नेक है, नीचे से इस तरीके से स्प्लिट स्टाइल में है, स्ट्रैप स्टिच कर रखा है और नेक डिजाइन काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट बीड्स का भी यूज कर रखा है, अगर आपको नजर आ रहे होंगे तो। साथ में एक आधा सिक्वेंस का यूज कर रखा है, बीच बीच में शाइन कर रहे होंगे आपको खुद ही अलग से नजर आ रहे होंगे क्योंकि शाइनिंग हो रही है। ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका लुक काफी अच्छा लग रहा है, ऑफिशियली तो बहुत अच्छे से जचने वाला है। आप ऑफिस जाए पहन के, कॉलेज जाए पहन के, वर्क पे पहन के जाए, जैसे आपका दिल करे घर पे आप नॉर्मली भी वियर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात की कम्फी बहुत है, पूरा लुक आप साइड में देख सकते हैं, प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन है, तो पसंद आए तो बिल्कुल स्किप मत करना, आपको काफी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने बाय किया है एक कोरियन स्टाइल में टॉप, जो कि थोड़ा डिफरेंट है नेक डिजाइन इसका और ये ऑरेंज कलर में। इसमें आपको थ्री और कलर मिल जाएंगे, फर्स्ट ये ऑरेंज कलर जो कि मैंने बाय कर लिया है, नेक्स्ट ये आपको नियॉन ग्रीन कलर मिल जाएगा एंड एक ब्लैक कलर में है। तो मैंने ये एम साइज में परचेज किया है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आई है। प्राइस की अगर बात करूं तो 629 रुपीज में बाय किया है, मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा बट टॉप बहुत ही सुंदर आया। 37% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका फैब्रिक समथिंग लाइक्रा वाला है, जिस तरीके से टी शर्ट का नॉर्मली फैब्रिक होता है, फ्लैट नेक है और यहाँ से कटआउट स्टाइल है जो कि थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट कर रहा है। फुल स्लीव्स मिल जाएंगी, क्रॉप की लेंथ भी काफी अच्छी है, मीन्स आप चाहें तो इसे नॉर्मल फुल कवर टॉप की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं या फिर आप इसे क्रॉप टॉप की तरह भी वियर कर सकते हैं। फिटिंग भी बहुत अच्छी है एंड कंफर्टेबल भी बहुत है, आप इसे डेनिम जीन्स के साथ, ब्लैक ट्राउजर के साथ, स्कर्ट के साथ, जैसे मर्जी चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर बाय करना है देन आप ये कर सकते हैं या फिर आप अदर कोई भी कलर चूज कर सकते हैं तीनों में से। मुझे ऑरेंज पसंद आया था, नियॉन मेरे पास पहले से भी बहुत सारे ऐसे टॉप हैं जिन्हें मैं नहीं पहनती, तो इसलिए मैंने ऑरेंज बाय कर लिया है। नेक्स्ट मैंने एक कुर्ता स्टाइल में एक शर्ट बाय की है, ये मैंने दीपिका पादुकोण को एक शो में वेयर किए हुए देखा था डेनिम जीन्स के साथ। तब से मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे एक शर्ट लूँ लॉन्ग, जिसे मैं डेनिम जीन्स के साथ या ऐसे एज अ शॉर्ट ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकूँ या डेनिम शॉर्ट के साथ। तो इस तरीके की शर्ट काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आई थिंक और भी कलर अवेलेबल हैं, लेट मी चेक, तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इसमें आपको 5 कलर मिल जाएंगे, ग्रीन भी है एंड एक पीच कलर में, स्काई ब्लू समथिंग एंड वाइट कलर। तो जो आपका दिल करे वो आप परचेज कर सकते हो, प्राइस इसका बहुत ही जेन्युइन एंड अफोर्डेबल है। 379 रुपीज में परचेज किया है, 81% का इस पर डिस्काउंट चल रहा है एंड लुक अगर आप देखेंगे ना, अगर आपको कुर्ता समथिंग इस तरीके से पहनना अच्छा लगता है कि आप थोड़ा वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न फॉलो करें तो ये शर्ट आपको काफी पसंद आएगी। ये है ध्रुवी ट्रेंड्स ब्रांड से एंड ये मैंने एम साइज में परचेज किया है, कॉलर के साथ है, 3-4 स्लीव्स मिल जाएंगे, इस तरीके से स्लीव्स फोल्डेड हैं और यहाँ पे ये जो भी इसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, स्ट्रेप के साथ बटन भी, यहाँ पे बटन डिटेलिंग भी है। कॉलर काफी थिक है जिसकी वजह से लुक बहुत ही अलग नजर आ रहा है। पूरे में आपको फ्रंट में बटन डिटेलिंग मिल जाएंगी बट ये मैजिक है कि ये स्टिच है पूरा, इस स्टाइल के लिए उन्होंने पूरे में बटन को स्टिच क्या बोलते हैं, स्टिच नहीं बोलेंगे, अटैच कर रखा है, बट ये अंदर से पूरा स्टिच है एज अ कुर्ते की तरह। लेंथ इसकी काफी अच्छी है, नीचे से इस तरीके से ओवल शेप मतलब राउंड में कट एक डिजाइन बना हुआ है, तो पूरा लुक मैंने साइड में अटैच कर दिया है। फैब्रिक की अगर हम बात करें तो इसका फैब्रिक रियॉन है,
कॉटन प्लस रेयन है, लेंथ नी लेंथ तक है, 3-4 स्लीव्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। एम साइज में बाय किया, उसके बाद भी थोड़ा सा लूज है, मैं लूज ही जाती थी क्योंकि अगर मैं डेनिम जीन्स के साथ पहनूंगी तो थोड़ा फंकी वाला लुक चाहिए था मुझे, तो इसलिए मैंने जिस तरीके का सोचा था वैसे ही मुझे रिसीव हुआ। अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए देन आप और कोई कलर चूज कर सकते हो। अदर थिंग, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा वेस्टर्न लुक क्रिएट करें देन भी आप ये कुर्ता पहन सकती हैं, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ड्रेस की। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक ड्रेस वियर कर रखी जिसकी इस तरीके से पफ स्लीव्स हैं एंड हाफ स्लीव्स हैं, आप देख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रिप्स थोड़ा सा लूज है, वो डिजाइन ही इसका लूज वाला है। इस तरीके से आपको राउंड नेक मिल जाएगा, बैक से हाई नेक है एंड इसमें हमें इस तरीके से एक बेल्ट भी मिलती है जो कि मैंने साइड में पूरा ट्राई ऑन लुक अटैच कर दिया है। इसकी लेंथ काल्फ लेंथ में ही, घुटनों से थोड़ी सी बड़ी लेंथ है लेकिन जो फिटिंग आ रहा है ना लाइक्रा फैब्रिक के साथ है, तो इसलिए बॉडी शेप में काफी अच्छा आ रहा है, यानी कि पूरा अच्छे से फिट बैठ रहा है, स्ट्रेचेबल बहुत अच्छे से। तो अगर थोड़ा बहुत टाइट का इशू, यानी कि साइज का इशू आता है तो ऐसा नहीं कि टाइट होगा, अगर थोड़ा लूज है तो भी बॉडी पे अच्छे से फिट आ जाएगा। गोल्ड डिटेलिंग के साथ हमें बेल्ट मिल जाती है, लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें आपको बहुत सारे कलर अवेलेबल मिल जाएंगे, तो अगर आपको ब्लैक नहीं बाय करना है देन आप कोई अदर कलर चूज कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस है 68% का डिस्काउंट चल रहा है इस पे, और मैंने ये भी एम साइज में ही बाय किया। लुक आप देख सकते हैं पूरा कि कितना सुंदर लुक आ रहा है। पार्टी वियर या फिर अगर आप बर्थडे वगैरह में पहनना चाहें, कॉकटेल पार्टी के लिए काफी अच्छी ड्रेस है। कलर दूसरा भी चूज करेंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे तो पसंद ही आई तभी मैंने हॉल में इन्वॉल्व किया है एंड मैंने बाय किया है। आप पे भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप एक साइज बड़ा जाएंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा। जब आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं ना तो थोड़ा लूज रखने की कोशिश करें तो फिटिंग अच्छी आती है और आप स्लिम भी नजर आते हैं। नेक्स्ट ड्रेस मैंने ये बहुत ही सुंदर पिस्ता ग्रीन और व्हाइट की कॉम्बिनेशन में फ्लोरल प्रिंट के साथ है, बहुत ही सुंदर लगे, एकदम डॉल बार्बी डॉल वाला लुक प्रोवाइड कर रही है ये ड्रेस, और इसकी स्लीव्स भी काफी अच्छी लग रही हैं। पफ स्लीव्स हैं, 3-4 हैं एंड यहाँ पे लास्ट में इलास्टिक का यूज कर रखा है। कॉलर में नेक है, आपको इस तरीके से कॉलर नेक मिल जाएगा। इस तरीके की मेरे पास एक और ड्रेस है जिसको मैंने इतनी बार पहना है और हर बार जब भी मैंने वीडियो में पहना है सबने बोला है कि लिंक दे दो। तो ये वाली ड्रेस भी सेम वैसी है, इस तरीके से कलर एंड प्रिंट डिफरेंट है, बाकी जो स्टाइल है वो सेम टू सेम है, फ्रॉक की तरह है। इस तरीके से फुल स्लीव्स हैं, स्लीव्स में इस तरीके से लास्ट में इलास्टिक है, पूरे में मेहंदी वाला जो एक प्रिंट होता है ना, आप देख सकते हैं जो हम मेहंदी डिजाइन बनाते हैं उस तरीके का प्रिंट है, और कलर भी समथिंग मेहंदी वाला ही है, थोड़ा पिस्ता ग्रीन में जा रहा है। और साथ में जो मेन कलर है वो व्हाइट है, ये भी ध्रुवी ट्रेन से, ये पॉलिस्टर फैब्रिक है इसका, बट ऐसा नहीं कि ये इरिटेट करेगा, बहुत ही लूज एंड कम्फी ड्रेस है। एम साइज में ही बाय किया है, साथ में हमें वेस्ट में नॉट करने के लिए इस तरीके से रिबन अटैच है, तो आप इस तरीके से फोल्ड करके रोटेट करके चाहे तो आप फ्रंट में नॉट कर लें या फिर आप बैक में इस तरीके से रिबन की तरह नॉट कर सकते हैं। बॉटम में फ्रिल अटैच कर रखा है जिससे अच्छा सा फ्लेयर बन रहा है, तो एक प्रॉपर जिस तरीके से अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो ना वेकेशन पे, तो वहां के लिए एक परफेक्ट ड्रेस है। वैसे तो बहुत ही कम्फी है, तो आप घर पे भी आराम से वियर कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट मैंने ये बहुत ही सुंदर लेवेंडर कलर में एक फ्रॉक यानी कि मैक्सी ड्रेस बाय की है। इसके लिए तो बहुत सारे कमेंट ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं कि ड्रेस का लिंक दे दो, सीरियसली मैं ड्रेस सच में बहुत ही प्यारी है, सबसे अच्छा तो इसका कलर है, लेवेंडर कलर तो वैसे ही काफी प्यारा लगता है। एंड ड्रेस में इस तरीके से पूरे में ही फ्लावर प्रिंट है, इस तरीके से स्ट्रैप में इन्होंने स्टिच कर रखा है जिससे एक लंबा चौड़ा फ्लेयर बन रहा है, फ्लेयर काफी अच्छा है। अगर आप इस तरीके से राउंड एक रोटेट करेंगे ना तो एकदम वो घाघरा वाला फ्लेयर आने वाला है। यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक का यूज कर रखा है जिससे इसका जो फिटिंग एरिया मतलब जो चेस्ट एरिया ना वो बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है। बैक में ही इन्होंने इलास्टिक का यूज किया है, फ्रंट में इस तरीके से प्लेन है। ऐसे मेरे पास एक और ड्रेस है जो कि ब्राउन कलर में है और वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है जब भी मैं पहनती हूँ ना, मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेयर आता है, सुंदर एकदम एक अच्छा वाला एक डॉल वाला लुक मिलता है, तो इसे भी आप ओकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यूजुअली भी वियर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है, अंदर इसके लाइनिंग अटैच कर रखी है और वो जो लाइनिंग है ना वो इस तरीके से लाइक्रा फैब्रिक के साथ है, बहुत स्मूथ एंड लाइक्रा फैब्रिक है, अंदर लाइनिंग के लिए यूज किया गया है और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप्स हैं जिन्हें आप चाहे तो साइज इंक्रीज कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फुल लेंथ है तो आप चाहे तो इसको अनारकली में भी चेंज कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो 718 रुपीज में परचेज किया है, 70% का भी इस पे डिस्काउंट चल। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो कि मैंने अभी मेगा फैशन डेज पे परचेज की है, क्योंकि काफी अच्छे प्राइस में ड्रेसेस मुझे मिल गई। तो जो भी आपको पसंद आए आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको सबसे
अच्छी ड्रेस या टॉप कौन सा लगा। और अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है, आप परचेज करना चाहते हैं, तो मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, आप वहां से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।